डायनासोर का होक्स अभी मुझे पता चला। तो एक जो रोगन पे एक जो रिसर्च करता है उसका एक्सपर्ट बैठा था और उसने डिबंक किया कि डायनासोर होक्स है, ये फेक है। तो उसने खुद अपने वैलिड पॉइंट्स दिए, बट पर्सनली आई डोंट थिंक कि डायनासोर रियल है, क्योंकि 65 मिलियन पहले का फॉसिल अभी ये लोग को मिल रहा है। पूरा स्केलेटन मिला नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा मिला है, और वो भी मतलब अनश्योर टुकड़ा मिला है कि किसका है। सो पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि 65 मिलियन कुछ हड्डी बचेगा, 500,000 साल के ऊपर कोई हड्डी बचेगा नहीं। तो इनका 65 मिलियन ईयर्स का पहले का हड्डी मिला है लोग को, और डायनासोर का पंजे का छाप भी मिला, तो टोटल फेक लगता है मुझे। लेकिन कोई साइकोपैथ्स है जो ऐसे, जैसे ये लोग ने पहले ऐसा लिखा कि ऐसा हो सकता है, बाद में उसको ढूंढा और मिला, तो दैट मेक्स इट सस्पिशियस कि पहले ये लोग ने पहला आइडिया था, बाद में ये लोग ने रिसर्च किया फिर मिला। सो मेड अप लगता है। प्लस अभी ऐसा लगता है कि कुछ सद्गुरु का, सद्गुरु कोई छोटा आदमी नहीं है, और जो उसका एनर्जी लेवल है 65 इयर्स है उसका एज, लेकिन उसका जो एनर्जी लेवल है वो यंग आदमी 20-25 साल के लड़के का एनर्जी लेवल है। भले वो स्कैमर है बट ही हैज सम टैलेंट। अगर उसके पास टैलेंट नहीं रहता तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कुत्ता नहीं होता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कुत्ता होने के लिए कुछ टैलेंट लगता है या लीडर लगता है, तभी वो लोग लेते हैं, हर एक को नहीं लेते, मेरे को नहीं लेगा। और जो वो एजेंडा पुश कर रहा है, और ऐसे कुछ कल्ट्स है कि प्यूरिफिकेशन थ्रू सफरिंग एंड पेन, ये सिस्टम फॉलो करते हैं और सफरिंग कराने लगाते हैं। अभी यूक्रेन रशिया में वॉर चालू है, तो खाना कैसे महंगा होगा? क्या रशिया से गेहूँ जाता है सब कंट्री में, या यूक्रेन से जाता है? हर एक कंट्री का खुद के एरिया में ग्रेन उगता है, और अमेरिका जैसे कंट्री में एकड़ पे एकड़, किलोमीटर पे किलोमीटर फार्मलैंड से और मास स्केल में खेती होता है। और जो बाइडन और कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बोलता है फूड शॉर्टेज के लिए तैयार रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, तो लोगों ने सवाल पूछने चाहिए क्या उधर से गेहूं आता है, अमेरिका और कनाडा में बनता है मास क्वांटिटी में, क्योंकि उनकी खेती किलोमीटर्स पे है, बड़ा बड़ा खेत है वो लोग के पास, और मैकेनिकल फार्मिंग होता है, ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स है वो लोग के पास। सो फिर भी वो लोग नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि फूड शॉर्टेज आएगा, और ये लोग कर क्या रहे हैं? फार्म हाउस है, चिकन का फार्म है, चिकन का फार्म में जाके चिकन के मुंह में काड़ी डाल के उसका पॉजिटिव निकाल रहे हैं, 8-10 चिकन के मुंह में डाल के फिर सारा चिकन, सारा मुर्गियां मार रहे हैं टू क्रिएट ए फूड शॉर्टेज। ये जानबूझ के किया जा रहा है, लेकिन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर नॉर्मी टू बिलीव कि सरकार ऐसा क्यों करेगी। वो नॉर्मी अपने को एक्सप्लेन करेगा, सरकार ऐसा कैसा करेगी, जब धंधा बढ़ेगा तभी तो सरकार को टैक्स आएगा, फिर सरकार चलेगा। ऐसा नॉर्मी विल एक्सप्लेन इट टू यू कि धंधा बंद होने से सरकार का नुकसान होता है, दिस इज वॉट नॉर्मीज हैव बीन टोल्ड। नॉर्मीज को लगता है उनके 5 पैसे के टैक्स से सरकार चलती है, एंड सरकार वैसे भी टैक्स ले रही है, तुम खरीद बेच रहे हो उसमें तो पैसा कट ही रहा है, कुछ भी कर रहे हो उसमें पैसा ले ही रही है। सो
मतलब इट इज हार्ड टू बिलीव कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये रियलाइज करने के लिए टाइम लगता है, और वंस दे रियलाइज दे विल नेवर गो बैक। वो आता है ना, वंस यू गो ब्लैक यू नेवर कम बैक, मतलब पॉर्न इंडस्ट्री में होता है वो, तो सेम वैसा ही होगा। वंस दे रियलाइज कि पहला बात तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वंस दे रियलाइज कि इतना ज्यादा झूठ बोला जाता है और पूरा खेल है, अपने को राइट फ्रॉम द स्टार्ट मैनिपुलेट किया है, मिस इन्फॉर्मेशन दिया है, और ये कुछ बाय डिजाइन है, इट इज नॉट गलती से हो गया है। सम पीपल आर वर्किंग 24 आवर्स फॉर दिस, फॉर यू टू रिमेन पुअर। अनएजुकेटेड मीन्स ट्रूथ से दूर रहे, और उसके लिए कोई तो 24 घंटा काम कर रहा है, 24 घंटे किताबें लिख रहा है, स्टोरीज बना रहा है, और पूरी मीडिया को खरीद रहा है, पूरे देश को खरीद रहा है। ये लेवल का एम्बिशन एक नॉर्मल आदमी में नहीं हो सकता। अगर चलो मेरे पास टैलेंट दिया जाए, तो अगर मेरे को प्रधानमंत्री बनाएगा तो मैं नहीं बनेगा, क्योंकि वो काम है बहुत सारा, और पूरा दुनिया चलाने का बोले तो बहुत ज्यादा काम है वो। तो कोई तो साइकोपैथ है जो अच्छा लगता है किसी को। ये लोग ने इंडियन बिजनेसेस, किसी का भी धंधा चलता है बड़ा होता है तो ये लोग खरीद लेते हैं। तो जिसका धंधा चल रहा है वो बोलेगा, अरे वाह 500 करोड़ दे रहा है, 5 लाख करोड़ दे रहा है, बड़ा बड़ा अमाउंट बेच देता है, वो पैसा लेता है, ऐश करता है। एक कौन सा तो स्पेन के इधर है, उधर सब अरबपति लोग है, उसका नाम मैं भूल गया। तो अगर मेरा बिजनेस है और बिजनेस चलाने का बोले तो कंटाला आता है, काम रहता है वो। अगर मेरे को कोई ऑफर देता है 500 करोड़ 1000 करोड़, मैं बेच दूंगा, क्योंकि फिर मेरे पास पैसा भी है और कंटिन्यूस टाइम भी है ऐश करने के लिए। तो ऐसा करके सब कुछ खरीद लेते हैं, और ये लोग 24 घंटा काम करते हैं। क्या अचीव करना चाहते हैं क्या मालूम, बट ये लेवल का मैनेजमेंट और ये लेवल का कंट्रोल चाहना भी एक इनह्यूमन है। क्योंकि मेरे को अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया तो सबको लगेगा कि क्या मजा है हम इनका, बट एक्चुअली मेरा कुछ भी मजा नहीं रहेगा, मेरा 24 घंटे का काम हो जाएगा वो, और एक जिम्मेदारी हो वो खुर्ची दिखेगा ऐसा सोने का गद्दी, बट वो कांटे का गद्दी है, वो तकलीफ वाला काम है। लेकिन कोई है, कुछ लोग है जो ये तकलीफ वाला काम चाहते हैं, सब कंट्रोल चाहते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग इज लाइक एलियन एम्बिशन, कोई भी इतना एम्बिशियस नहीं रह सकता। हिस्ट्री में ऐसे एविडेंसेस है कि कुछ, मतलब मैंने देखा कि एक मतलब पहले कैसा रहता था, एक राजा रहता था, उसका बहुत सारा रखेल लोग रहता था, 8-10 पत्नी रहता था, या जिससे चाहिए तब शादी करता था, कॉन्डम बिंडम तभी कुछ नहीं था, इसको बच्चा उसको बच्चा, ऐसा बहुत सारा बच्चा होता था। फिर राजा की गद्दी पे बैठेगा कौन, इस पे भाई लोग का मारामारी होता था, और कुछ लोग का लाइफ टाइम के लिए मारामारी होता था, नो रिजल्ट, फिर एट द एंड ऑफ ए लाइफ उसको गद्दी मिल जाता है। तो उस लेवल का भी एम्बिशन ऐसा हिस्ट्री में है, बट दिस इज सम काइंड ऑफ एक्सट्रीमली क्रेजी, झूठा साइंस का बुक, झूठा हिस्ट्री, डायनासोर स्पेस में सैटेलाइट, ये क्या बोलता है, हबल स्कोप भेजा है, जो स्टार्स नए नए प्लैनेट डिस्कवर करता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज एक्सट्रीमली क्रेजी कि ऐसा भी कोई कुछ कर सकता है। दिस इज समथिंग विच इज नॉन ह्यूमन, डेविड आइक बोलता है, और डेविड आइक का अभी तक का सारा बात सच है, सच हुआ अभी, तो शायद ये भी सच ही रहेगा कि सम नॉन ह्यूमन फॉर्म इज रनिंग दिस वर्ल्ड।